Exam YouTube channel. This is Mayank Pandey. बेटा फटाफट से चेक करो क्या मैं लाइव हूँ. आप लोग मुझे देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो फटाफट से कमेंट कर दो कि यस सर देख पा रहे हैं. बेटा आज हम लोग शुरू करने आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक. जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा बेटा आज हम क्या पढ़ने आ रहे हैं. आज अपन पढ़ने आ रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल जो कि बेटा एक अनअकैडमी का ही पार्ट है. यहाँ पर मैं मयंक पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूँ. आप मेरी कंप्लीट टीम जो हमारी है बेटा इस कंप्लीट टीम से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं कई बार. तो कंप्लीट टीम के शिवानी गुड इवनिंग बेटा. तो कंप्लीट टीम को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. ये टीम कोई भी परिचय की मोहताज नहीं है. ये टीम खुद में एक बहुत बड़ी टीम है बेटा जो आपको तैयारी कराने के लिए पूरी तरह आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है. तो फटाफट से बेटा लाइव आ जाओ आज. यस सर ऑडियबल. ओके ओके वेरी गुड. आप लोग सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. तो बेटा शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को. फटाफट से बच्चे लाइव आ जाओ. बेटा मेरी क्लास मंडे टू संडे होती है. डेली क्लास होती है मेरी. शिवम आर्या गुड इवनिंग. और मेरा नाम मयंक पांडे. आप लोग देख पा रहे हो मैंने कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है. बेटा 4 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. मैंने 5000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक मेंटोर किया हुआ जिसमें से 500 से ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्शंस भी लिए हुए हैं. बेटा मैं 9 PM पर लाइव आपको मिलता हूँ कुछ दिनों में. अभी मैं 8 PM पर लाइव आ रहा था फिर से 9 PM पर लाइव हूँ बेटा आज. और अगर आप मेरा कंप्लीट कोर्स मेरा मतलब आप कंप्लीट CDS का FCAT का कोई भी कोर्स डिफेंस के एग्जाम का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप बेटा जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर जहां पर आपको मेरा रेफरल कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन लेना होगा. मेरा रेफरल कोड है MPSIRLIVE. इसे यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बेटा मेरे साथ वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं. आपको इन सबके लिए बच्चे करना क्या होगा? आपको कैसी है तबीयत आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा अभी तो फिलहाल ठीक हूँ. तो अनअकैडमी का बेटा ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा अपने फोन में. आप वहां पर मेरे साथ जुड़ पाएंगे बेटा. यहां पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद आप बच्चे अपना गोल सेलेक्ट करोगे. गोल में आपको CDS FCAT डिफेंस एग्जाम मतलब दिखाएगा. डिफेंस का गोल सेलेक्ट करना तो उस डिफेंस के गोल में जाके 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने और 24 महीने की आपको फीस दिखाएगा. तो बेटा ये कोई फीस जाने की नहीं होती. कम से कम 12 महीने की फीस मतलब बेटा कम से कम 1 साल की फीस के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं. क्योंकि बेटा किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए डीपली नॉलेज लेने के लिए एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 1 साल तक उस चीज पर बहुत अच्छे से स्टडी करनी होती है बेटा. तो डिफेंस का एग्जाम बाकी में बहुत अच्छा एग्जाम है जैसे अभी FCAT का रिजल्ट गया आप लोगों को पता होगा. तो बेटा वहां पर आप करो क्या कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा बच्चे. वहां पर होगा क्या कि 1 साल के अंदर आप कंप्लीट बेटा कोई एक कोर्स नहीं है. मेरा अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है. कंप्लीट CDS के लिए बैच चल रहे हैं वहां पे. अर्थमेटिक का एडवांस का कोर्स और वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्स चल रहे हैं बेटा. बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं तो आप वहां पर किसी भी कोर्स के साथ जा सकते हैं. बहुत सारे कोर्स वहां पर हैं बेटा जो ऑलरेडी हो चुके हैं. अपकमिंग कोर्सेज भी हैं और अभी जो रनिंग चल रहे हैं वो भी कोर्सेज भी हैं बेटा. आप ऐसे 24 महीने का भी कोर्स ले सकते हैं. अगर आप अभी बेटा क्या कर रहे हैं अभी आप बेटा अभी बच्चे जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप अभी क्या कर सकते हो कि आप 24 महीने का कोर्स ले सकते हो. 24 महीने की फीस है 9600 रुपये. आप मेरा रेफरल कोड MPSIRLIVE यूज करोगे तो ये फीस मात्र 8640 रुपये रह जाएगी. ऐसे ही बेटा 1 साल की फीस है टोटल 8000 रुपये लेकिन मेरा रेफरल कोड MPSIRLIVE यूज करोगे. ये MPSIRLIVE इसे यूज करोगे तो आपकी ये फीस मात्र 7200 रुपये रह जाएगी 600 रुपये पर मंथ. तो बेटा आज का टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा. बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा. अंकुश गुड इवनिंग. जिसे हम शुरू करेंगे बेटा जीरो एकदम जीरो से शुरू करेंगे. क्या डाउन स्ट्रीम क्या अप स्ट्रीम सब कुछ आज मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो बेटा बोट एंड स्ट्रीम को आज शुरू करेंगे एकदम जीरो से हीरो. ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा क्लियर है? तो आज बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे अपन. तो बेटा देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम कैसे किया जाता है. बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है ये सारी चीज़ें आज आपको मैं समझाऊंगा. तो पहले बेसिक्स बता दूं मैं आप लोगों को. बेसिक्स बता दूं बेटा मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की ही कड़ी में ये अगला टॉपिक है जहां पर दिव्या गुड इवनिंग बेटा जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम. तो बोट एंड स्ट्रीम में यहां पर समझो मैं बोट एंड स्ट्रीम में आपको क्या बताना चाहता हूं कि बेटा क्या होता है बोट क्या होती है स्ट्रीम क्या होती है डाउन स्ट्रीम क्या होती है अप स्ट्रीम क्या होता है एक्स क्या होता है वाई सब कुछ आज मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा. एकदम सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा बेटा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट. बेटा एक चीज समझो जैसे कि मैं यहां पर बात करूंगा एक बोट की और एक बात करूंगा बेटा स्ट्रीम की. एक बोट की बात करूंगा एक स्ट्रीम की बात करूंगा. स्ट्रीम को बोलते हैं धारा और बोट को बोलते हैं नाव. बोट को बच्चे बोलते हैं नाव स्ट्रीम को बोलते हैं धारा. तो नाव और धारा के कंसेप्ट में होता क्या है वो आप लोग समझो.
इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि कुछ तो आप कर पाओगे, कुछ आपसे हिलेंगे भी नहीं, और जो नहीं हिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और फिर मैं उन्हें आपको करवाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे कि हाँ यार कुछ करा दिया आज। तो बेटा नाव एवं धारा का समझो क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, तरीका मैं आपको समझाता हूँ। बेटा जैसे कि ये कोई एक स्ट्रीम है, ये कोई धारा जा रही है, ये स्ट्रीम है, ये पानी बह रहा है, ठीक है बेटा, ये कोई स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम के अंदर बेटा ये कोई आपकी नाव है, ये क्या बच्चे आपकी नाव, ठीक है, ये आपकी नाव है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी अच्छी सी नाव बननी चाहिए, तो समझो ये एक नाव है इस स्ट्रीम के अंदर, मतलब एक ये धारा है, इस धारा के अंदर ये नाव है ना, ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये ऊपर भी चलो निकल गई कोई बात नहीं। तो ये बेटा क्या है आपकी, ये आपकी नाव चल रही है इस पानी में, ठीक है, इस पानी में ये बेटा आपकी क्या चल रही है, नाव चल रही है। अब बेटा एक चीज समझो, मैं आपको क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि नाव इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है और पानी भी इधर ही जा रहा है। मैं मान लेता हूं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर x किलोमीटर पर आर, बराबर x किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ बोट को मैंने मान लिया, गमला बना दिए हैं सर, कोई बात नहीं गमला बन जाने दो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आर। और बेटा मैं ये बोल देता हूँ ये स्पीड ऑफ बोट है x किलोमीटर पर आर मैंने मान ली, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो ये पानी बह रहा है बेटा, इस पानी की स्पीड मैंने मान ली y किलोमीटर पर आर, y किलोमीटर पर आर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट, y किलोमीटर पर आर। अब एक चीज आप यहां पर बेटा बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम आपको अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, आज बहुत अच्छे से पढ़ाने के मूड में हूं, तो आप लोग भी अच्छे से मूड में आ जाओ बेटा, और बच्चों को भी बुला लिया करो लाइव, नमस्ते तुषार, और बच्चों को भी बुला लिया करो, ये अच्छा नहीं लगता है आपका यार, ये बिल्कुल तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप शेयर वेयर नहीं करते हो आजकल। तो इधर समझो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज व्हाट, x किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आर। अब बेटा देखो नाव भी इधर जा रही है, पानी भी इधर बह रहा है, मतलब इधर ही पानी बह रहा है और इधर ही नाव जा रही है। तो बेटा अगर जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर पानी बह रहा है, तो एक चीज याद रखना कि अब नाव अपनी स्पीड के साथ साथ पानी की स्पीड से भी चलेगी, क्योंकि पानी नाव को आगे बहाएगा, आगे बढ़ा देगा, आगे चलाएगा नाव को, आगे बढ़ाना चाहेगा। जैसे आप लोग बेटा छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, तो हवा अगर आपके जैसे जिधर से हवा आ रही है उसी, अगर जिस साइड से हवा आ रही है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आप क्या होते थे, आपको पैडल तेज तेज मारने पड़ते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि शिवानी पवार गुड इवनिंग, कभी कभी क्या होता था बेटा कि अगर हवा आपकी इस साइड से चल के आ रही है और आप भी इसी साइड से इधर जा रहे हो, जिस साइड हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपको ज्यादा पैडल नहीं मारने पड़ते थे, आप भाग के पहुंच जाते थे, है ना, ऐसे होता था क्या। तो एक चीज याद रखना कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव जाएगी, तो स्पीड ऑफ तब स्पीड ऑफ नाव पता है क्या हो जाएगी, तब हो जाएगी बेटा कितनी, एक्स प्लस वाई, मतलब तब नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी। अंजलि गौतम गुड इवनिंग बेटा, उस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, उस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो बेटा एक चीज याद रखना, डाउन स्ट्रीम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल डी से करूंगा, स्मॉल डी से मत करो, कैपिटल डी से कर दो, ठीक है बेटा, डाउन स्ट्रीम को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कैपिटल डी से। तो डाउन स्ट्रीम को मैं बोलता हूं कि एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ वाटर दोनों को जोड़ देंगे तो डाउन स्ट्रीम मिलेगा। ऐसे बेटा अगर अपस्ट्रीम की बात करूं, अपस्ट्रीम मतलब पानी तो इधर बह रहा है और नाव इधर जाना चाह रही है, पानी इधर बह रहा है और नाव इधर जाना चाह रही है, तो उस केस में बेटा क्या होता है कि आशीष गुड इवनिंग बेटा, तो अपस्ट्रीम का केस मतलब जिसे यू से रिप्रेजेंट करेंगे, उस केस में क्या होता है कि बेटा नाव पानी जो है वो नाव को पीछे करना चाह रहा होगा, लेकिन नाव पुश आगे को कर रही है, आगे को बढ़ना चाह रही है, तो उस केस में बेटा क्या हो जाता है कि x माइनस y किलोमीटर पर आर, मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ जो बोट होगा ना उसे ज्यादा होना पड़ेगा। अपस्ट्रीम के केस में एक चीज याद रखना कि x इज ग्रेटर देन y आएगा, अपस्ट्रीम के केस में x इज ग्रेटर देन y आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। तो ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम, ये बात शायद आप लोगों को समझ आई होगी। तो मुझे बताओ ये d बराबर आपका आ गया x प्लस y और u बराबर आपका आ गया बेटा x माइनस y। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो आपको मिलेगा d प्लस u बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस y, बोलो हाँ या ना, सॉरी सॉरी सॉरी
तो आपको क्या मिलेगा बेटा, क्योंकि वाई से तो वाई कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स रह जाएगा सिर्फ, क्या रहेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एक्स, क्योंकि वाई से वाई कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स। इसका मतलब डी प्लस यू बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स, इसका मतलब मुझे अगर एक्स निकालना है तो डी प्लस यू बाई टू हो जाएगा। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों दे रखा हो तो हम स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं, कैसे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू। ऐसे अगर वाई निकालना होगा तो डी माइनस यू बाई टू, वाई बराबर क्या होगा, डी माइनस यू बाई टू। तो बेटा आपको कुछ नहीं, बस एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चार फॉर्मूले याद रखने बस। क्या चार फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे क्या, मुझे बता दो, क्या ये चार फॉर्मूले आप लोगों को याद हो गए क्या, बोलो हाँ या ना, यस और नो, ये चार फॉर्मूले आपको याद है बेटा, फटाफट से कमेंट कर दो, यस सर ये चार फॉर्मूले तो हमें समझ आ गए। यस सर, वेरी गुड। तो चलो अब बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ चलूं, क्या आप लोग करके दिखाओगे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको सॉल्व करो तो जाने, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहला मैंने दिया है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्या आप लोगों को दिख रहा है, बोला है राम गोज डाउन स्ट्रीम विद बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 6 आवर्स। राम डाउन स्ट्रीम में गया बोट में बैठ के किसी डेस्टिनेशन तक, और उस डेस्टिनेशन से जिस प्लेस पर चला था, जहां से चलना शुरू किया था वहां तक लौट के आया, 6 घंटे लग गए। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम आर, मतलब इस बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आर और स्ट्रीम की स्पीड बेटा आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आर, देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन। शुरुआत से जहां से चला था वहां से कहां तक गया, उसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है ये बताना आपको। तो बेटा फटाफट से बताओ, बताइए शिवम, बताइए शिवम, बोले 33। रोहित गुड इवनिंग बेटा, शिवम बोले 33। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, इधर समझो, राम गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 6 आवर्स। ओके बेटा एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर स्पीड ऑफ बोट, मतलब एक्स बराबर आपको कितना दे रखा है, यहां पर एक्स बराबर 12 किलोमीटर पर आर दे रखा है, अंकुश का 33, 12 किलोमीटर पर आर एक्स दे रखा है। अच्छा वाई की बात करो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहां पर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट, 5 किलोमीटर पर आर। आप मुझे बताओ अगर वो बेटा उसको 6 आवर्स का टाइम दिया है, जाने का टाइम 6 आवर्स का दिया, जाने और आने दोनों का टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे यहां तक ये नहीं पता कि कितने डिस्टेंस गया, मैंने मान लिया कि वो डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस वो किस में गया बेटा, तो वो गया डी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, पहले वो बेटा डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में होता है बेटा एक्स प्लस वाई, मैंने आपको समझाया डी बराबर एक्स प्लस वाई होता है, मतलब 12 प्लस 5 हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में किस स्पीड के साथ गया, तो 17 की स्पीड के साथ गया, प्लस वो लौट के भी आया है, डी डिस्टेंस ही लौट के आया, लेकिन अब लौट के आएगा तो अप स्ट्रीम आएगा, जाएगा डाउन स्ट्रीम तो आएगा अप स्ट्रीम, बोलो यस और नो। और अप स्ट्रीम बेटा क्या होता है, तो अप स्ट्रीम बच्चे होता है एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई, वो कितना हो जाएगा 12 - 5 इज व्हाट 7, तो ये बेटा आपका हो गया 7, उसे ये टोटल समय लगा 6 घंटे का। बस आप कुछ मत करो, यहां पर डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 17 - 7 = 119 ये ले आओ, और ये 7d + 17d 17 - 7 = 24d आपका ये हो जाएगा, 24d = 6 हो जाएगा, बोलो यस और नो। मुझे एक चीज बता दो, 6 से ये 4 बार 6 * 24, तो आपका डी बराबर कितना आ जाएगा 119/4, डी बराबर कितना आ जाएगा 119/4, इसका मतलब 4 से काटोगे तो 4 × 2 = 8, और ये बचेगा कितना 39 बचेगा, तो ये बचेगा 4 × 36, और 4 × 36 बचेगा कितना, फिर 3 बचेगा, तो 4 × 7 = 28, फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, इसका मतलब 29.75 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 33 एकदम गलत है बेटा, 29.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि 29.75 कैसे आया, बताओ सारे बच्चों को क्या समझ आया है,
यस और नो में कमेंट दबाना शुरू कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो कि यस सर समझ आया, नहीं आया तो बोल दो कि नहीं सर बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, वेरी गुड बेटा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं और धुआं बिखेरेंगे आज, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अ शिप सेल्स 30 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टुवर्ड्स अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया है किससे, 6 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी 6 घंटे में 30 किलोमीटर गया, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4। ये 1/3 नहीं होगा बेटा, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, अभी मैं कर देता हूं इसे एकदम सही। ये 1/4 है, चलो करो इसे सॉल्व। ऑप्शन भी आपके पास 2 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, 3.6, 5.5। किसी का आंसर आ रहा है क्या? नो, 4.5 आया है रेसलिंग माउंटेन्स का, तुषार बोल रहे नो। चलो बेटा फिर मैं ही समझा देता हूं क्योंकि आप लोगों को तो नहीं आ रहा है शायद। यहां पे समझो सॉल्यूशन, मैं क्या बोलता हूं कि शिप अगर जा रहा है बेटा किसमें, अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम मतलब होता है बेटा कि अपस्ट्रीम मतलब x-y, अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो ये स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ या ना। अपस्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यस और नो ये कमेंट कर दो फटाफट से। उसके बाद आपसे पूछा है कि द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ करंट जो है वो 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड ऑफ करंट कितना, वाई बराबर है 1/4 ऑफ स्पीड ऑफ द बोट। तो ये तो अपन बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कि x बराबर 4y होगा, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। आगे आपको ये भी बोला है कि आपको ये बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, मतलब सेम डिस्टेंस को वो डाउनस्ट्रीम है, मतलब 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई से कितने टाइम में कवर करेगा, वो आपसे टाइम पूछा है, बोलो यस और नो, यही क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल यही है। मुझे बताओ x की जगह अपन 4y डाल सकते हैं, तो x की जगह अगर मैं 4y डालूंगा तो 4y-y बराबर 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 4y-5y मतलब कितना हो जाएगा, ये 3y बराबर 5 हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो y की वैल्यू 5/3 भी हो सकती है क्या, y की वैल्यू 5/3 हो सकती है
बोलो यस और नो, वाई की वैल्यू 5/3 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है वाई की वैल्यू 5/3। बेटा कुछ कमेंटमेंट कर दो, कुछ बता दो, अगर समझ आ रहा है तो हाँ बोल दो, नहीं आ रहा तो मना कर दो। 3.6 स्मृति का आ रहा है, 3.6 डी ऑप्शन अंकुश, यस सर। चलो चलो, जिन बच्चों को समझ आ रहा अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। चलो अब इधर देखो बेटा, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, तो ये वाली आपको x माइनस वाई बराबर कितना 5 किलोमीटर दे रखा है, तो y की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां पर 30 अपॉन x को मैं 4y लिख सकता हूं, तो 4y प्लस y बराबर 5y हो जाएगा, बराबर t आ जाएगा, बोलो यस और नो। y की जगह 5/3 डाल सकता हूं, तो 35 × 5/3, तो ये 25, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30/25/3, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, कुछ बताओ मुझे बेटा, यस और नो। तो हाँ बेटा बताओ, समझ आ रहा है? तो 5 × 5/5 = 30, अब आपका ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 6, कितना आ रहा है, तो ये आपका 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 18/5, 18/5 कितना होगा, तो 18 × 36 33.6 hours, बोलो समझ आया क्या, 3.6 hours, क्या कोई डाउट है क्या, बताना कोई डाउट तो नहीं है किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर हो गया क्या? डाउट है दिव्या, क्या डाउट है बताओ बेटा? यस सर क्लियर, दिव्या डाउट है तो बताओ बेटा, क्लियर है तो बोलो, क्लियर को सी लिखा करो, डाउट को डी लिखा करो, क्लियर है तो सी लिख दिया करो, बस सी लिखा करो। सर रिपीट कर दीजिए, ओके 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 डन। देखो मैं रिपीट करता हूं, देखो दिव्या ये वाला क्या होगा, ये x माइनस वाई बराबर 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इधर समझो, दूसरा हाइलाइटर लाता हूं। देखो दिव्या ये x माइनस वाई बराबर 5, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि वो दे रखा है आपको कि x माइनस वाई बराबर 5 है, बोला है कि 30 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, इसका मतलब 30/6 हो जाएगा, 30/ ठीक है 30/6 हो जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड आएगी, लेकिन वो किस में आई है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम होता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर पर आर, बोल रखा है द स्पीड ऑफ द करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, तो 1/4 है अगर, तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि स्पीड ऑफ करंट वाई मैंने मान रखा है, तो वाई बराबर 1/4 ऑफ x हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर 4y कर सकते हैं, x बराबर 4y, इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ कि x बराबर 4y हो सकता है, x बराबर अगर 4y है और मुझे क्या फाइंड करना है, इधर देखो मैंने क्या किया, x बराबर 4y को यहां पर डाल दिया बेटा, तो देखो इस वाली इक्वेशन में ये डाला है मैंने, यहां समझ लो, पेन वेन ले आऊं कुछ क्या, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहां डाला है बेटा, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया बेटा, इस वाली इक्वेशन में डाला है किसे, ये x बराबर 4y को, तो बेटा यहाँ पर x की जगह 4y माइनस y बराबर 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो मुझे बताओ 4y माइनस y बराबर कितना होगा, 3y बराबर 5 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, 5/3 हो जाएगा, बोलो y बराबर 5/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अगर y बराबर 5/3 है, अगर बेटा y बराबर 5/3 है, तो मैंने बस क्या किया है बेटा, यहां पर ये 30, क्योंकि 30 किलोमीटर उसे जाना है, और वो अब अपस्ट्रीम जाता है, अब वो किस में जाता है, अब वो डाउनस्ट्रीम में जाना चाहता है, तो डाउनस्ट्रीम में x प्लस y की स्पीड के साथ जाएगा, तो 30 अपॉन x प्लस वाई बराबर t टाइम लगा होगा, तो 30 अपॉन x प्लस वाई, तो x की जगह तो मैं क्या डाल सकता हूं, x की जगह 4y डाल सकता हूं, तो 4y प्लस y बराबर 5/3, अब मैंने कुछ नहीं किया, बस y की वैल्यू डाल दी और इसे सॉल्व कर दिया, देन आंसर आ गया 3.6 hours। चलो आई होप समझ आ गया होगा, अगला क्वेश्चन ये करो, अ बोट टेक्स 26 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ओके दिव्या,
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। क्या मैं ही बताऊं क्या? क्या नहीं आ रहा क्या? किसी को नहीं आ रहा क्या? चलो कोशिश करते हैं बेटा। अब बोट टेक्स 26 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कोई पॉइंट ए से चलना शुरू किया और बी तक गए डाउन स्ट्रीम में। स्मृति वेट सर, ओके, गुड इवनिंग अभिषेक। ए से बी तक गए डाउन स्ट्रीम में। ये क्वेश्चन अगर कर लिए ना, मैं गारंटी देता हूं कि अगर बोट एंड स्ट्रीम के ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो बोट एंड स्ट्रीम आपसे हमेशा हो जाएगा, गारंटी इस बात की। रोहित 140 बोल रहे हैं, 140 किलोमीटर रोहित का आंसर ये आ रहा है। ए से बी तक गए बोटा, वो किस में गए? वो गए डाउन स्ट्रीम में। बोट 26 आवर्स लेती है, ओके डन। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, वो बोल रहा है फिर एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन, मतलब यहां पर बीच में कोई पॉइंट सी है, यहां तक वापस आए। अगर बेटा वो गए हैं डाउन स्ट्रीम तो वापस आए अप स्ट्रीम। 168 आ रहा है स्मृति का, जितेश कुमार का 168 आ रहा है, वेरी गुड बच्चे। तो आप मुझे बताओ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब वाई की आपको वैल्यू दे रखी है 4 किलोमीटर पर आर और x की वैल्यू दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आर। बेटा अब क्या इसमें दिक्कत है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? चलो देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर समझो बेटा, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अपन कुछ d मान लें और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी फिर d होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों डिस्टेंस को बराबर भागों में डिवाइड किया, तो ये भी d और ये भी d। ये d मतलब डीप a से b तक गया, मतलब 2d की डिस्टेंस को उसने कवर किया है डाउन स्ट्रीम में, मतलब x प्लस वाई की स्पीड के साथ, मतलब 14 हो जाएगी, क्योंकि बेटा x प्लस वाई यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर हो जाएगा, जुड़ जाएगी स्पीड, तो 2d अपॉन 14 हो गया। अच्छा वो आगे बोल रहा है कि बेटा उसने मिड यहां से b से मिड पॉइंट तक, मतलब सिर्फ आधी दूरी तय करके लौट के आया है, तो वो 10-4 मतलब 6 की स्पीड के साथ आएगा। देन ही विल गेट, देन उसने सिर्फ कितना आवर्स लगाया? 26 आवर्स है ना, then it take only 26 hours, okay done। तो आप बेटा इसे सॉल्व आउट कर लो, तो 2 × 2 = 14, ये हो जाएगा d/7 plus d/6 बराबर is what 26। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही है, ये 42 आ जाएगा और ये 6d plus 7d तो ये 13 हो जाएगा, ये 13d बराबर 26 हो जाएगा, 13 से ये सीधे सीधे दो बार, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 42 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 42 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा 84, मतलब डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई 84 किलोमीटर। लेकिन वो कुछ और भी पूछ रहा है बेटा, 84 किलोमीटर तो आंसर है भी नहीं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी? लेकिन डी सिर्फ अगर 84 किलोमीटर है तो ए से सी तक की डिस्टेंस है डी, और टोटल ए से बी तक की, टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की निकाली है ना मैं, तो वो 2d है, तो 2 × 84 कर देंगे, देन वी विल गेट आंसर 2 × 4 = 8 और ये 168 एकदम सही है। स्मृति का आंसर 168 एकदम सही था, अंकुश का 168, आशीष कुमार का 168, जसमीत ने भी डी दिया, पंडित कालीचरण डी, शिवानी सिंह डी, जितेश 168 वो बोले थे, वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों ने ये आंसर दिया है आई होप आप लोगों को समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। बताओ बेटा समझ आया या नहीं आया? समझ आ जाए तो बेटा कमेंट भी कर दिया करो, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आप कमेंट, एक भी कमेंट नहीं करते हो आप, तो फटाफट से अगर समझ आ जाए तो यस सर करके कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने, पी क्यू एंड आर आर 3 टाउन्स ऑन अ रिवर विच फ्लोज यूनिफॉर्मली। क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, अ मैन रोज पी टू क्यू एंड बैक इन 10 hours, ओके डन। He can row from P to R in 4 hours. Find the ratio of speed. The ratio of speed of man in still water. Find आपको ratio करना है speed of man और speed of current का। करो।
किसी बच्चे का कुछ आंसर आया क्या? किसी बच्चे का कोई आंसर आया क्या? देखो बेटा मैं बताना शुरू कर देता हूं, ये तीन प्लेस हैं, पी यहां पे बेटा, क्यू और ये आर। आपको बोला क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। स्मृति 5:2 बोल रहे हैं, चलो। बाकी आपको ये भी बताया मैन रो पी दो, ये बताया क्यू इज इक्विडिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वही यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, डन। आपको बोला बेटा q इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है। अ मैन रोज पी टू क्यू एंड बैक इन 3 आवर्स, p से q तक गया और लौट के आया तो उसे 2 घंटे, मतलब यहां से यहां जाने में और यहां से ये लौट के आने में से 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ही कैन रो फ्रॉम पी टू आर इन 4 आवर्स और p से r तक अगर वो एक बार जाता है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है बेटा। आप एक चीज ये समझो कि P से R तक 4 घंटे में जाता है तो P से Q तक 2 घंटे में जाएगा क्योंकि आधी डिस्टेंस है, और लौट के फिर क्योंकि टोटल 10 घंटे का टाइम लगा है तो लौट के 8 घंटे में आया होगा। इसका मतलब वो गया है अपस्ट्रीम, वो गया है किसमें, डाउनस्ट्रीम। गया किसमें, वो डाउनस्ट्रीम में गया है क्योंकि उसे कम समय जहां पर लगा है तो वो डाउन गया, वो डाउनस्ट्रीम में आया वो अपस्ट्रीम में, तो टाइम का रेशियो क्या है, गया वो अपस्ट्रीम में तो उसे गया वो डाउनस्ट्रीम में तो 2 घंटे का समय लगता है और आने में उसे 8 घंटे का समय लगता है, तो 1:4 इसके स्पीड का, इसके टाइम का रेशियो हो गया 1:4। बोलो डाउनस्ट्रीम में 1 तो अपस्ट्रीम में 4, तो मुझे बताओ इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 4:1 होगा, मतलब डाउनस्ट्रीम में स्पीड 4 है तो अपस्ट्रीम में स्पीड 1 है। 3:7 भी आ रहा है बेटा, 3:7 वाले भी बच्चे, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ करंट, मतलब स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ वाटर, x:y। तो मुझे बताओ x क्या होता है, तो वो होता है d+u/2 और y क्या होता है d-u/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x:y क्या रहेगा, d+u/d-u। तो D बेटा यहां पर आप चीज समझो, D कितना है 4 है और U कितना है 1 है, तो 4-1 इज व्हाट 3, 4-1 4+1 इस वाले में 4+1 कितना हो जाएगा 5 और 4-1 बेटा कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 3। तो 5:3, 5:3 इज द राइट आंसर क्योंकि अब क्योंकि हमसे x:y पूछा है, बोट और स्ट्रीम का हमसे पूछा है, तो 5:3 एकदम सही है, 5:3 बेटा सही है, 3:7 तो शिवानी और रोहित का गलत हो गया। स्मृति 3:7 कैसे बेटा, 5:3 होगा बच्चे, बोलो समझ आया क्या, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बताओ नहीं क्लियर हुआ तो बताओ, वो सर मिस्टेक, मुझे ये बता दो कि आप लोगों को क्लियर हो गया क्या, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ो, ये करो। पोस्टपोन लिखा आ रहा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आज आपको चेक करके फिर मैं डाल दूंगा यहीं पे ऑफलाइन में एक मैसेज, ठीक है नितिन, ये करो। हाय सर, स्मृति आंसर दे रहे 3rd, मतलब 8 किलोमीटर पर आर,
बेटा देखो यहाँ से ऐसे एक चीज हमें यहाँ पर मिल रही है कि इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डायरेक्शन अगेंस्ट द करंट कंपेरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब ये है कि बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे तो उसे आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट द करंट जाओगे तो उसे बोलोगे अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर आपको टाइम लगता है कितना बेटा, थ्राइस बोला है ना, तो डाउन स्ट्रीम में अगर आपको टाइम लगता है तीन, तो अप स्ट्रीम में आपको टाइम लगेगा एक, है ना। नहीं, थ्राइस एज मच टाइम एज गोइंग टू, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है ना, तो इसे थोड़ा सा उल्टा करो। डाउन स्ट्रीम में अगर टाइम लगता है बेटा आपको कितना, एक, तो अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, तीन। तो स्पीड इज व्हाट, 3:1, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब आपको बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब एक्स दे दी आपको कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, और वाई की आपसे डिमांड की है। तो आपको बेटा यहां पर एक्स अपॉन वाई का रेशियो देखना होगा। तो एक्स क्या होता है, डी प्लस यू, और वाई क्या होता है, डी माइनस यू। तो आप यहां पर कर लो डी प्लस यू, डी कितना है बेटा आपका, तो x की वैल्यू, देखो एक काम करो ना आप, यहाँ पे एक काम करो बेटा, यहाँ पर d प्लस यू डाल दो, तो d प्लस यू कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, और d माइनस यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज व्हाट, 2, और ये x कितना है, x की 6 डाल दो, और ये y, तो ये आप 2 से 2 बार, और 2 से ये 3 बार, और 2 से 2 खत्म, तो y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर, y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 3 होगा बेटा। सर ऑप्शन ही नहीं आ रहे, ऑप्शन दिए नहीं मैंने, सीजीएल में भी और सीएचएसएम में भी इस बार एडवांस अच्छे लेवल का आ रहा है, अच्छे लेवल का आ रहा है सर। हाँ बेटा बता रहे, स्मृति ने बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो पोस्टपोन दिखा रहा है, तो ऐसा हो रखा होगा, शायद पोस्टपोन हो चुका होगा। नहीं पोस्टपोन हो गया होगा बेटा, पोस्टपोन हो गया होगा, एक बार मैं चेक और कर लूंगा पोस्टपोन हुआ है या फिर क्या है, मैं उसे एक बार चेक कर लूंगा। बाकी एक बार बच्चे ये बोल रहे हैं कि पोस्टपोन हो गया है, बच्चे भी ये बता ही रहे हैं। सीएचएसएल तो नहीं हो रहा अभी तक पोस्टपोन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये समझ आ गया था ना आपको, ये वाला बताओ। चलो नहीं नहीं कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है सीएचएसएल का। स्मृति का 5, जितेश का 5, रोहित 5, अंकुश 5, दिव्या 5, शिवानी। बेटा आप इससे ज्यादा आसान तो क्वेश्चन कुछ दे ही नहीं सकता था। अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, 26 किलोमीटर इन 4 आवर, 24 किलोमीटर इन 4 आवर्स मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई डाउनस्ट्रीम की। बच्चे आपसे बोला है कि यार अपस्ट्रीम में इतनी डिस्टेंस 6 घंटे में, 4 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब x, तो d प्लस यू बाई 2, 6 प्लस 4/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। करो इसे, सेशन को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, लाइक वाइक भी कर दिया करो बेटा। लाइक कर दिया करो, शेयर करके आया करो, ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है।
बताओ इसका आंसर बताओ बेटा। चलो मैं बता देता हूँ बच्चे, आप लोगों को नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपसे पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, मतलब वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको दे के रखा है कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 6 घंटे में। अच्छा 24 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम किस स्पीड से जाएगा, एक्स माइनस वाई से। और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, डाउनस्ट्रीम किससे जाएगा, एक्स प्लस वाई से। दोनों में टोटल समय लगा 6 घंटे का। और ऐसे ही बोलता है कि बेटा अब अगर इसकी जगह 36 किलोमीटर जाने लगे अपस्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई से, और 24 किलोमीटर जाने लगे x प्लस वाई से, देन उसे लगते हैं 6.5 घंटे। बस बेटा कुछ मत करो, मैं ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों को डिवाइड डिवाइड करने में लग पड़े ना तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा इसे करना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटिव सा बन जाएगा। एक काम करो, x माइनस वाई और x प्लस वाई की ऐसी वैल्यूज देखो जिससे ये 6 मिल जाए डिवाइड करने पे। तो मुझे बताओ मैं x माइनस वाई की वैल्यूज क्या रख सकता हूँ, क्योंकि 24 को डिवाइड करना है तो 24 को तो डिवाइड 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 भी करेगा, ये सारे नंबर डिवाइड करेंगे। लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर लेके आना है कि मुझे एडिशन करके 6 मिल जाए। तो मुझे बताओ 2 से करूंगा तो 2 से तो ये 12 जाएगा, 12 बार, और 12 में कुछ जोड़ के 6 लाना पॉसिबल है नहीं। 3 से करूंगा तो 8 जाएगा, तो 3 भी खत्म करो। 4 से करूंगा तो 6 बार जाएगा, 4 से करूंगा तो 6 बार जाएगा, और 6 में ये फिर कुछ करके 0, मतलब 4 भी हटाओ। 6 से करूंगा तो ये बेटा 4 बार जाएगा, और फिर इसे मैं किससे करूं, इसे मैं 36 है ना, तो इसे मैं किससे कर सकता हूं, 18 दूनी 36, बोलो हाँ या ना। तो इसे मैं अगर किससे करता हूँ, इसे मैं अगर यहाँ पे x माइनस वाई की जगह मैं 6 डालता हूँ और इसकी जगह मैं 18 डालता हूँ, तो बेटा ये 6 चौक 24 और 18 दूनी 36 56। आप यहाँ पर देखो फिर इसे भी बेटा फिर 6 डालना पड़ेगा, तो ये 6 से ये 6 आ जाएगा, और यहाँ से 18 से तो ये 24 कटेगा नहीं, तो 18 से 24 कटेगा नहीं, तब भी काट के देखो तो 2 से 9 बार, और 2 से ये बेटा कितने 12 बार, और ये बेटा 3 से 3 बार, और ये 3 से 4 बार, तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। तो 6.1, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, 6+1 पॉइंट समथिंग, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे तो हम नहीं कर सकते, मतलब हम क्या 6 और 18 तो नहीं मान सकते, बोलो यस और नो। तो 6 और 18 नहीं मान सकते, अब हम क्या मानेंगे वो देखो, 6 भी नहीं मान सकते हम और इसे 18 नहीं मान सकते। तो अब दोस्त समझो हम क्या मानेंगे, इधर देखना मैं आपको बता रहा हूँ, 6 के बाद अब उसकी वैल्यू बची है 8 मानना बेटा, ऐसे ही करना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ऐसे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 8 मान लूँ तो 8 तिया 24, और इसकी वैल्यू मैं कितना मान लूँ 12, तो 12 तिया 36, तो ये 6 घंटे बनेगा। तो मैं इसकी भी वैल्यू 8 मानूंगा तो 8 और इससे कितना 12, तो ये देखो 8 से कितने बार कटेगा, 8 चौक 32 और 4 36, 8 5 40, और ये 12 से 2 बार, तो ये बेटा बन भी रहा है। इसका मतलब x माइनस y की वैल्यू मैंने मानी 8 और x प्लस y की वैल्यू मैंने मानी 12, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, मुझसे स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो बेटा y में आ जाओ, तो बच्चे y में आ जाओ कि y निकाल लेते हैं फिर, तो माइनस कर दो, तो आप माइनस करोगे इसे तो ये कट जाएगा, और ये 2y बराबर 12 - 8 4, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर 2 इज द राइट आंसर, y बराबर 2 एकदम सही है। क्या समझ आया क्या, बोलो बताओ समझ आया क्या, ये समझ आया सारे बच्चों को, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यस नो कुछ तो कमेंट कर दो बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, ये बताओ, वेरी गुड बेटा, अ बोट अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स,
ये थोड़ा सही कर लेना, क्वेश्चन पूरा लिख लेना। अ बोट गोज 48 किलोमीटर, अ बोट गोज 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम। यहां के बाद ऐसे लिखना, अ बोट गोज 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। इट गोज 48 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40। ओहो बेटा इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले पे चलो, बड़ा उसमें गलतियां कर दी हैं, बहुत ज्यादा गलत लिख दिया है। इस पे आ जाओ, इसे करो। इन अ फिक्स टाइम अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर, बताओ। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक। देखो एक चीज समझो, यहां पर इस क्वेश्चन में मैं ये समझाऊंगा कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट होता है, अगर समय नियत होता है, तो उस केस में बेटा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड हो जाता है। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही स्पीड का रेशियो रहेगा। आपको यहां पर बता रखा है डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट, मतलब आपको ये बता रखा है कि अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट, अलोंग द करंट एंड दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। मतलब अलोंग द करंट का मतलब बेटा ये होता है कि करंट के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम में और ये अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो डबल है अप स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के। स्पीड ऑफ करंट मतलब एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर दोस्त, आपसे वाई पूछा है स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर। हाँ स्पीड ऑफ द करंट मतलब वाई दे रखा है आपसे, वाई, और एक्स आपसे पूछा है। दोस्त एक चीज आप समझो कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, और इनका रेशियो कितना है 2:1, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो वही आपकी स्पीड का रेशियो, बोलो हाँ या ना। तो ये स्पीड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 2:1 मैंने लिख दिया। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू तो मैं डाली, वाई की वैल्यू तो मैं डाली सकता हूँ ना, किसकी, वाई की वैल्यू है ना। तो ये एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 बराबर 2:1 मैं लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो। सारे बच्चों की चीज क्लियर हो रही है एकदम से, किसी बच्चों कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे एक चीज बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देखना। ये तो मैं नहीं बनेगी, देखना एक बार बन सकती है। x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 2 6, नहीं बनेगी ना। तो 2x माइनस x बराबर x हो जाएगा और 6 माइनस प्लस 3 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। बोलो नहीं बन नहीं आ रहा, 9 है। हाँ नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी वो, सामने दे रखा बराबर के तो बन जाता। चलो ये करो, पूजा रिपीट कर दो, रिपीट कर लो बेटा। टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो एक ही रहेगा, वाई बराबर 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, एक्स आपसे पूछा है डिस्टेंस का रेशियो डाउन स्ट्रीम में कितना है बेटा 2:1, अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में अगर 2 जाती है तो अपस्ट्रीम में 1 जाती है, तो 2:1 डिस्टेंस का रेशियो है बेटा। आप मुझे बताओ
डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई, तो जो एस वन अपॉन एस टू होगा वही आपका डी वन अपॉन डी टू होगा। तो डी वन अपॉन डी टू का मैं रेशियो ला चुका हूँ 2:1 और एक्स वन एस टू, एस वन कितना एक्स प्लस वाई और एक्स ये कितना है एस टू कितना एक्स माइनस वाई, इनका बस सॉल्व किया देन एक्स वैल्यू 9। ठीक है पूजा बेटा, ये अगले वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, इसे आप लोग करना और इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। बाकी सारे क्वेश्चंस ये जो आप लोग देख रहे होंगे अभी, इन सबको मैं कराऊंगा बेटा कब, इन्हें बेटा मैं आपका कराऊंगा कल। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखना है, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच क्लास, फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी समय पर, सेम टाइम पर सेम प्लेस पर। मतलब कल मैं आप लोगों को मिलूंगा बेटा 8 बजे आऊंगा, अभी सुन लो 8 बजे कल मैं आऊंगा लाइव यही लेकर, बोट एंड स्ट्रीम के कुछ और क्वेश्चंस डाल के लाऊंगा और 8 से 10:30 बजे तक बोट एंड स्ट्रीम करेंगे। 8 से 10:30 बजे तक मतलब 1.5 घंटे कल बोट एंड स्ट्रीम खत्म कर दूंगा, पूरा ऑपरेशन हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और बेटा अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो एमपी सर लाइव यूज करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं कल 8 बजे, तो ध्यान रखना, ठीक है, बाय, लेट्स क्रैक इट।